और एक बात और पूछ लूँ, आपका समय समाप्त होने वाला है, वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वही कई लोगों ने मुझसे कहा, हमारे कवि जमात में जैसे मित्र होते हैं, कि क्या हम वैक्सीन के बाद दारू पी सकते हैं? अब इससे बड़े परेशान देखिए, हैं इस मैं मामले इसका से। हाँ आंसर आपको देता हूं कि हाँ दारू की डेफिनेशन क्या है। दारू की डेफिनेशन हमारे पास है और वो है 10 ग्राम्स ऑफ एल्कोहल, 10 ग्राम एल्कोहल इज द लिमिट ऑफ दारू। अच्छा, ठीक है, जितनी ग्राम में तो दारू नहीं आती आपको, है, मिलीलीटर में आती है, 10 मिलीलीटर नहीं, ML। 10 ग्राम, 12 ml इज इक्वलेंट टू 10 10 ग्राम, अच्छा 1 ml इज 0.8 ग्राम, तो 12 ml इज इक्वलेंट टू 10 ग्राम ऑफ 30% ऑफ 40% 80 प्रूफ विस्की। तो इसका फॉर्मूला हम क्या बताते हैं कि जितनी अल्कोहल मोटर व्हीकल एक्ट आपको अलाउ करता है उतनी अल्कोहल आप पी सकते हैं। लेकिन देखिए, आपका जितना स्टेटोस्कोप होता है ना बड़ा, उतना ही बड़ा ये अपना गिलास चाहते हैं लोग, उनका कोई नहीं, इलाज मैं कुछ और नहीं। बात कर रहा हूँ। मेरा मेरा आंसर बड़ा सिंपल है कि अगर आपने वैक्सीन के बाद अल्कोहल पीनी है तो उतनी अल्कोहल जितनी मोटर व्हीकल एक्ट में अलाउड है वो आप पी सकते हैं। जितनी आपको मोटर व्हीकल गया एक्ट में मैं। अलाउड है उतनी वो आप पी सकते हैं। एक पैग का मानक कुछ बनाते हैं। नॉर्मली उसके हिसाब से 30 ml इन 1 आवर इज अलाउड। सो जी हमारा 30 ml इन 1 आवर इज अलाउड। सो अगर आपने 30 ml अल्कोहल वैक्सीन के बाद में 1 हफ्ते तक अगर आप 30 ml में लिमिट कर देते हो तो वैक्सीन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना चलिए, बहुत पीने से से। लोगों को राहत मिलेगी। 30 ml इज अलाउड उसके साथ में जो है। सो वैक्सीन, और वैसे भी जो मोटर व्हीकल एक्ट, दो मोटर व्हीकल एक्ट का बना है फॉर्मूला, इसी लिए तो बना है कि सेहत के लिए नुकसानदायक है, वो सिर्फ आपको जेल में डालने के लिए थोड़ी पड़ा है, तो उसको फॉलो करिए। हम आपको एक चीज सुनाते हैं कि जो जी लोगों को शायद पता ना हो, 2005 में हम DMA के प्रेसिडेंट थे, तो जी हमारे एक डॉक्टर के पकड़ने के लिए पुलिस आई, वो हमारे पास में आए कि हमें उसका एड्रेस निकाल के दो, हमें उस डॉक्टर को पकड़ना है। उस डॉक्टर ने रात को पार्टी रखी थी अल्कोहल की, और लखनऊ से मुजरे वाले बुला रखे थे, जो मुजरा चल रहा था, तो रात के 11 बजे तक शराब चल रही थी। तो एक डॉक्टर भाई साहब शराब पी के बाहर निकले, और उन्होंने बाहर किसी ड्राइवर को बोला कि मुझे घर छोड़ दो, उनको लगा कोई शराबी है, उन्हें क्या पता कौन है। पुलिस थाने ले गए। अच्छा। नहीं, उन्होंने बोला नहीं, हमने उसको धुतकार दिया, सामने एक कार खुली पड़ी थी, उन्होंने कार खोली, डिक्की में जाके सो गए, ओ एम्बेसडर की डिक्की में जाके सो गए। सुबह 11 बजे मरे हुए मिले, ही डेड, ही वाज डेड। तो पुलिस ने जिस आदमी ने पार्टी होस्ट करी थी उसके खिलाफ केस कर दिया जी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपके यहाँ पे घर में इसने शराब पिया, तो इसको घर छुड़वाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी। और अगर आप इसको, मतलब कोई भी, अगर आप अपने घर में किसी को शराब पिलाते हो तो अगर वो घर में जाके बीवी को पीट दे तो बीवी आपके ऊपर केस कर सकती है कि आपने शराब पिलाई थी। ये जी लॉ है उस टाइम पे। मेरे पास में बड़ा सिंपल मैसेज है, तो इसलिए घर में बैठ के वैक्सीन के बाद में पीजिए, एक पैक पीना है तो पी लीजिए, अदरवाइज छोड़ दें, बेटर होगा ना पिए, लेकिन एक पैक से आपकी अल्कोहल से इम्यूनिटी में फर्क नहीं पड़ता। बिंज अल्कोहलिज्म में जहां पे आपने 4 पैक पी लिए उससे मेरी इम्यूनिटी खराब होती है। ये जो खबर आई थी कि 1 महीने शराब नहीं पीना रशिया से, वो गलत थी। फिर अच्छा। आया कि 7 दिन मत पियो, वो भी गलत है। वी ऑलवेज से एक्सेस ऑफ एल्कोहल मत पियो,